नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि सभी को पता है, ऑप्शन फॉर्म आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है कैप राउंड 2 का। उसके बाद वैकेंसी पोजीशन भी आपको पता चल गई थी। इस वीडियो में थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि कितनी वैकेंसी है, बेटरमेंट वाले की कुछ सवाल होंगे उनके भी सवाल लेंगे, कैसे ऑप्शन फॉर्म भरे। हालांकि इसके बारे में पहले ही वीडियो हमने करके डाला है, सभी को पता है सिर्फ एक स्टेज ही अलग है, एक स्टेप ही अलग है, बाकी कुछ भी अलग नहीं। आप उसी प्रकार से फॉर्म भर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और थोड़े से आपके जो क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों चलिए सभी को मैं बताना और एक बात बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले को भी वैकेंसी पोजिशन आ गया है, तो आपके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर कम्युनिटी टैग पर मैंने उसे ऑलरेडी डाल दिया है। दोस्तों सभी को पता है कि ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन के लिए आप जा सकते हो यहाँ पे, लॉगिन कीजिएगा दोस्तों। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के जब आप अंदर जाओगे तो आप कैप 2 के लिए आपको वहाँ पर दिखाई देगा, आपके डैशबोर्ड पर ही आएगा कि आपको कंप्लीट करना है ऑप्शन फॉर्म। बाकी की जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है आप पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप आगे जाइएगा। तो सिर्फ यही स्टेज अलग है, बाकी आपके सर्च करना, आपके प्रेफरेंसेस सर्च करना और बाकी का जो प्रोसीजर है, ऑप्शन फॉर्म की समरी और कंफर्मेशन, शॉर्टलिस्ट आपके ऑप्शन करना, यही चार स्टेज है, उसमें ही है, कोई उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं है। पिछला जो वीडियो है हमारा, मैं कोशिश करूँगा आपको लास्ट में देने की या डिस्क्रिप्शन में देने की, उसे आप रेफर कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिर्फ यही एक स्टेज अलग थी, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अब उसको ट्राई भी किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ट्राई नहीं किया उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सिंपली यस करके आपको जो पिछला फॉर्म है वो यहाँ पर आप डाउनलोड होगा, मतलब यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। नो किया तो फिर आप फ्रेश ऑप्शन भी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सर्च बॉक्स में आप चले जाओगे और वहाँ पे आप सर्च करके ऑप्शन फॉर्म भरोगे, पिछले बार जैसे भरा था उसमें कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे यस करके अगर आप सारे ऑप्शन आपके लेते हो तो उसमें आप ऐड रूम को भी आपका पूरा वहाँ पर चांस मिल जाएगा, इसी प्रकार से आप उसको ऐड कर सकते हो, जो ऐड हुए उनको रिमूव भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इस प्रकार से समझो मेरा ये पिछले बार का था तो मैं उसको, या अभी ये कॉलेजेस में अगर नहीं चाहता तो उनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर उनको रख कर उनका जो प्रेफरेंस है उसे आगे पीछे भी कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी प्रकार के अगले स्टेज में आपको फिर उसे प्रेफरेंस देने हैं, समरी कन्फर्म करनी है, समरी के बाद उसको आपको कन्फर्मेशन के लिए जाना है। इसी स्टेज में उसमें ज़्यादा कोई भी फर्क दोस्तों नहीं है। तो वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी पोजीशन आपको सुबह ही उन्होंने दे दी है, सबको पता भी होगा, उसमें भी आपने रेफ़र की होगी वैकेंसी, तो ठीक ठाक सीट से जैसे ही चल आ रहा है सालों साल उसी प्रकार की सीट से, उसमें कोई ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा। हालांकि वैसे ही होता है हर साल भी 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 सीट ऐसी रहती है, 8-8, 9-9, थोड़ा सा आगे पीछे, कोई कॉलेजेस में ज़्यादा होगी, कोई कॉलेजेस में कम होगी, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। जितने सीटें जाती है अगले राउंड के लिए तो उसी प्रकार से ये हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो एक सवाल आपके मन में होगा कि बेटरमेंट वालों की सीट्स वैकेंसी में दिखाई गई है या फिर नहीं दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटरमेंट वालों को ऑलरेडी सीट उन्होंने दे दी है। बेटरमेंट के लिए आप जब जा रहे हो तो आपके हाथ में वो सीट रख कर जा रहे, इसका मतलब आप अभी भी उस सीट पर हो, वो सीट अभी भी आपके लिए है। तो बेटरमेंट वालों को सीट उनको दे दी है तो वैकेंसी में वो नहीं दिखाई है, बेटरमेंट वालों की सीट अभी तक उनको ही है। जब तक कि बेटरमेंट उनका नहीं होता वो सीट उनकी नहीं जाएगी, उनको ही वो रहेगी, तो उनका हक उस पर है, तो आपको वो वैकेंसी पोजिशन में नहीं दिखाई जाएगी। जब अगले राउंड का अलॉटमेंट होगा तो फिर जब वो बेटरमेंट उनको होगा, कोई और कॉलेज मिलेगा, तो फिर वो वैकेंसी होगी और किसी और को मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस वैकेंसी पोजीशन में अगर किसी कॉलेज के सामने आपको वैकेंसी नहीं भी दिख रही किसी कैटेगरी के सामने, तो आपको उस पर भी चांस लेना है, उसका नाम आपको ऑप्शन फॉर्म में डालना है, ताकि अगर वहाँ पे लाइव वैकेंसी होती है, वहाँ का बच्चा अगर बेटरमेंट से कहीं और जाता है तो फिर वो सीट उसी राउंड में भरी जाएगी, वो कोई आगे नहीं जाने वाली। और अगर वैकेंसी कौन सी दिखती है तो फिर वैकेंसी आपको जिन्होंने सीट छोड़ी है या फिर जो सीट पर अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, फ्रीज ऑटो फ्रीज या सेल्फ फ्रीज करके भी रिपोर्ट नहीं किया, उनकी वो सीट है। और डॉक्यूमेंट की वजह से जिनकी सीट चली गई, जो कि हमने कल के वीडियो में देखा कि ऐसा लग रहा था कि वो अब उनको अगर उन्होंने कहा है कि आपकी सीट हम रखेंगे तो फिर उनको डेट भी बढ़ानी होगी एक्सेप्टेंस करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी जो सीट इस राउंड में चली गई थी वो चली गई, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाकर भी। अब वो स्टूडेंट्स भी क्लेम करेंगे कि हमारे पहले राउंड में हमने जो
आपकी आखिरी डेट थी, इसलिए हमने ओपन कन्वर्ट किया था, फिर से हमें कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाहिए और हमारी सीट भी रखनी चाहिए। देखते हैं कि क्या आगे वो निर्णय लेते हैं और उसमें क्या क्या और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन फिलहाल आपका ऑप्शन फॉर्म शुरू हो चुका है, वैकेंसी पोजिशन भी आ गई है और उनकी जो वैकेंसी उस स्टूडेंट की जो गई है कैटेगरी कन्वर्जन की वजह से, वो वैकेंसी दिखाई गई है, यहाँ पर उनको वो सीट नहीं दी गई है। आपके कुछ सवाल लेंगे जाते जाते दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से जो कल मैंने किया था आपको वीडियो अगला देने का स्पॉट ऑन पर, तो वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। ये वीडियो भी मैंने ऐसे तैसे ही बनाया है, आपको समझ में आया भी होगा थोड़ा सा। तो चलो कुछ बातें जो आपकी है, कुछ सवाल लेंगे आखिर में। तो पहला कुछ सवाल है कि पिछला ऑप्शन फॉर्म इम्पोर्ट करने के बाद उसे एडिट कर पाओगी कि नहीं? हम जो पहला ही ऑप्शन है हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करना मतलब जो पिछला फॉर्म है ऑलरेडी आपका, उसे जैसे कि जैसे ही इस राउंड में भी लेना है और फिर उसमें आप एडिट के लिए जा पाओगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप इंपोर्ट करोगे उसके सारे जो ऑप्शन पिछले फॉर्म के थे आ जाएंगे, उसको आप जिसको रखना है उसे रख सकते, जिसको नहीं रखना है उसको डिलीट कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जिसको ऊपर लेना है उसको ऊपर ले सकते, जिससे नीचे डालना है उसको नीचे डाल सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटरमेंट वाले लोग जो आप ये ऑप्शन फॉर्म भरेंगे पिछले जो कॉलेज में उनको मिला है, तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि उनको क्या डालें, हम कितने नंबर पर डालें, तो उनको आपको इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस ऑप्शन फॉर्म में उसे डालने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप लास्ट में आ जाएगा। और मुझे बताइए जिन लोगों ने कन्फर्म किया क्या वो आपके ऑप्शन फॉर्म में लास्ट में दिखाई दे रहा है या नहीं। और दूसरी बात है कि बेटरमेंट वाले ऑप्शन फॉर्म भरते समय क्या ख्याल रखें, ये भी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि क्या अलग होगा बेटरमेंट वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए। तो दोस्तों बेटरमेंट वालों के लिए ये ऑप्शन फॉर्म बेटरमेंट ऑप्शन फॉर्म है और जो आपको पिछली बार कॉलेज मिला था उससे बेटर ही ऑप्शन आपको डालने, ये बहुत ही थंब रूल है, ये बहुत ही आपको याद रखना ये है कि हर एक जो ऑप्शन होगा आपका जो इस फॉर्म में आप इंसर्ट करोगे अभी जो भरने जाओगे आप, तो वो जो पिछला कॉलेज मिला है उससे बेटर ही होना चाहिए, उससे हल्का डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मत डालिए, अगर मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ऑप्शन फॉर्म कंफर्म नहीं हो रहा, ये सुबह मुझे लगता है जैसे ही शुरुआत हो गई थी ऑप्शन फॉर्म की, तो उस समय प्रॉब्लम आ रहा था। आप कमेंट्स में बताइए कि अभी भी आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पिछली बार मतलब ये हुआ भी है कि पिछले राउंड में कोई स्टूडेंट्स का ऑप्शन फॉर्म कंफर्म नहीं हुआ था, तो उनको कॉलेज नहीं मिला था, उनका वो रह गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी देर में ट्राई कीजिएगा, अभी शायद शाम को ट्राई कीजिएगा या फिर कल, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे एक बार फिर से अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा और फिर कन्फर्म कीजिएगा। अगर स्टिल वो प्रॉब्लम अभी भी आप फेस कर रहे हैं तो फिर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वो प्रॉब्लम सभी को आ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आ रहा है, ताकि दूसरों को भी हम बता सके कि ये प्रॉब्लम कॉमन है और जल्दी उसे सुलझाया जाएगा, ताकि और हो सके तो हम सीटी सेल की तरफ से भी ये उनकी तरफ उन तक पहुँचा ये बात, ताकि वो उस पर काम करे। दूसरा की सीट खाली नहीं है तो फिर ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शन दे या नहीं, वो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि ऑप्शन सीट मैट्रिक्स में या फिर वैकेंसी पोजीशन में तो मेरे जो मैंने जो कॉलेज देखा है, मैंने मुझे जिस कॉलेज का ऑप्शन डालना है वहाँ तो सीट ही नहीं है, तो फिर डालने का क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे ही हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि लाइव वैकेंसी होती है, जैसे दूसरे राउंड का अलॉटमेंट शुरू होगा, वहाँ के बच्चे अगर बेटरमेंट करके किसी और कॉलेज में जाते हैं तो जो खाली जगह है उसी, मतलब ये जो राउंड होगा ना अभी सेकंड राउंड, उसमें ही दी जाएगी, बांटी जाएगी, तो उस पर आप क्लेम रखो, ताकि अगर होता है सीट खाली तो आप वहाँ जाकर बैठ सके, वो सीट आपको मिल सके, तो आपको ऑप्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑप्शन ज़्यादा या फिर दो चार ऑप्शन ज़्यादा इंसर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास 300 ऑप्शन का पर्याप्त समय है, उस आपके पास उतनी जगह है आपके पास, तो आप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे दे सकते हो। फिर भी इसे छोड़कर भी कोई सवाल आपके मन में है दोस्तों, तो फिर आप पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि स्पॉट राउंड का जो वीडियो है डिटेल में हम जो बहुत ही जल्द लाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा परिस्थिति कठिन है, बात ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा मैं, तो कल हम उसे उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। रुकते यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।